वेलकम यू ऑल दिस दिस इज टुडे इन वीडियो हम लर्न करेंगे समरी अगर स्टोरी तो अपने मन से समझने की कोशिश की होगी आई I मीन mean, आपने ट्राई किया होगा कि चलो खुद से इस समरी को समझ लेते हैं तो मे भी आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लगी होगी और वियर्ड भी लगी होगी ऐसा क्यों बिकॉज इट्स स्टोरी uh, में कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं बिकॉज यहाँ बात चल रही है वर्ल्ड वोयस की वर्ल्ड वोयस क्या होता है जब कोई भी पर्सन वर्ल्ड टूर करता है बट बाय द रूट ऑफ सी देखा वर्ल्ड टूअर लिखा होता तो, तो समझ गए होते वर्ल्ड लिखा है तो डिफिकल्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है यहां बात हो रही है बोट की जब world tour by the route of sea कर रहे हैं हैं तो definitely बोट से ही करेंगे अब बोट की जो है कि इस पार्ट को क्या बोलते उस पार्ट को क्या बोलते हैं अगर आप ये अच्छे समझ जाओ तो आपकी आधी स्टोरी के जो कंफ्यूजन है अभी सॉल्व हो जाएगी राइट अब ये हमने सुना नहीं है थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं डेक क्या होता है नॉर्मली जो आ, शिप का जो फ्लोर होता है उसे हम डेक बोलते हैं सो so, इन चीज़ों को अच्छे समझो और अपना काम बनाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें इसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी एंड uh, अगर इस वीडियो को अगर इस स्टोरी को अच्छे समझना चाहते हो तो फास्ट ऑर सीट बेल्ट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखोगे कि आपको स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आ गई है सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टिंग आई होप ये पार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आपने दिलो दिमाग में सेट कर लिए होंगे सो so, ये स्टोरी है थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिजनेस मैन की जिसने ड्रीम देखा था कि वो वर्ल्ड करेगा विद द फैमिली फैमिली में कौन कौन है मेरी है जो वाइफ है सन जोनाथन सिक्स ईयर ओल्ड है एंड डॉटर सुजैन सेवन ईयर ओल्ड है एंड इन्होने डिसाइड किया था कि इंग्लैंड के प्लाई माउथ से ये जो अपनी जर्नी है स्टार्ट करेंगे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वर्ल्ड क्या होता है वर्ल्ड वर्ल्ड को बोलते हैं बट जब कोई बोट से ट्रेवल करता है तो वो वर्ल्ड बॉयज हो जाता है अब ये ड्रीम आया कहा से था 200 हंड्रेड इयर्स अगो कैप्टन जेम्स कुक थे उन्होंने वर्ल्ड बॉयज किया था एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को कंट्रीज को एक्सप्लोर किया था राइट सो कैप्टन जेम्स कुक इनके इंस्पिरेशन रहे हैं

एंड 23 मीटर लॉन्ग थी 30 टन उसका वेट था वुडन की बनी हुई थी बहुत सुंदर बनी हुई थी एंड जब तक ये बन गई थी तो इन्हें इसकी अच्छे से फिटिंग की टेस्टिंग की रफेस्ट वेदर में कि हाँ ये नॉर्मल वेदर के अलावा जब कोई ऐसा वेदर आ जाए कि टैकल ना कर पाए तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे सो रफ टू रफ वेदर में इन्होंने इसको ट्राई किया एंड उस टेस्ट में ये जो बोट थी वो पास हो गई एंड देन इनका फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है साउथ uh, अफ्रीका के केप टाउन से फर्स्ट लेग मींस फर्स्ट फेज एंड ये वहां वन लैख 5000 किलोमीटर जो एरिया है वो कवर कर लेते हैं फर्स्ट फेज इनका बहुत अच्छा होता है तो वो वेस्ट में था और ये जब ईस्ट में Uh, आने आने को होते हैं तो ये टू क्रू मैन को हायर करते हैं अमेरिकन एंड हब जानते थे दैट अब ये एंटर करने वाले हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी सदर्न इंडियन ओशन और डेफिनेटली यहां इन्हें टू क्रू मैन की जरूरत पड़ेगी सो सेकेंड डे जब ये हेड ईस्ट की साइड मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो तो वेदर है थोड़ा रफ हो रहा है बिकॉज जैसा कि पता था कि वर्ल्ड रफेस ही है एंड गेल्स गेल्स मीन्स आंधी तूफान चल रहे हैं बट इन सब चीजों से ये नहीं डर रहे थे ये डरे तब जब इन्होंने देखा कि वेव आ रही है एंड वेव कितनी बड़ी है अप टू फिफ्टीन मीटर हाई एज बिग एज मैस ये जो आप ये देख रहे हैं इसे मैस बोलते हैं अब इतनी बड़ी वेव है तो सोचो कि अगर ये एकदम आती है तो अपसाइड डाउन इनकी जो वेव वॉकर है बोट है वो हो जाएगी या नहीं ये सब चीज़ें होती हैं बट वो डरते नहीं हैं वो कहते हैं कि चलो बाय द टाइम ये चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी बिकॉज अप ट्वेंटी फाइव फिफ्थ दिसंबर आ गया है क्रिसमस डे इन्होंने इतनी बेकार वेदर होने के बाद भी क्रिसमस को अच्छे सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री बनाया इन्होंने सोचा था कि सिचुएशन बेटर होंगी बट सिचुएशन बेटर नहीं हुई और ज्यादा बर्स हो गई सेकेंड जैन को जो वेव्स थी वो जायजेंटिक यानी कि एक्सट्रीमली बेग हो गई इतनी बेग की अगर एक भी पड़ी तो डेफिनेटली सारा का सारा जो काम है वो खत्म हो जाएगा बहुत सिचुएशन है थोड़ी कंट्रोल से बाहर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब तो चीजें खत्म हो रही हैं एंड थोड़ी शांति आई फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पी एम ओमिनस साइलेंस ओमिनस साइलेंस क्या होता है तूफान के पहले की शांति तो ये भी देख पा रहे थे कि पहले सिचुएशन ऐसी थी अब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी अचानक से शांति हो गई तो उन्होंने क्या क्या कहा कहा कि तूफान के पहले की शांति है और सिचुएशन फिर वो राइट थे सिचुएशन होते होते खराब ऐसी बन गई इतनी पॉस्ट जो बादल थे वो पूरे डार्क हो गए थे एंड जो ठंडर था इतनी भयंकर आवाज थी कि डर रहे थे और सिचुएशन डेफिनेटली एक वेव ऐसी पड़ी पूरी की पूरी बोट पर कि जो सारा सामान था वो यहाँ से वहाँ पूरा डैक स्मैश हो गया एंड पूरा पानी बोट में भर गया था एंड वो जो बिजनेसमैन थे यहाँ खड़े हुए थे वो भी एकदम वेव के वेव जो उन पर पड़ी वो भी कहीं जाकर स्मैश हो गया उनका हेड वगैरह तो जो उनका माउथ था वो फुल ऑफ ब्लड हो गया था टीथ टूट गए थे एंड उनकी जो रिफ थी उसमें थोड़ा क्रैक आ गया था एंड उनकी जो वाइफ थी मैरी वो थोड़ी डर गई थी और चीख रही थी चिल्ला रही थी कि पूरी नाव में पानी भर गया है और कहीं ना कहीं ये डूब जाएगी तो फिर ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं इन्होंने कहा बेसिकली ये नरेटर ही है ओके तो इन्होंने कहा कि एक व्हील को पकड़ लो सो देट आप पानी के फ्लो के साथ बहोगी नहीं एंड क्रॉलिंग करते हुए ये अंदर जाते हैं अपने बच्चों को थोड़ा कम्फर्ट करने के लिए कि ठीक हो तो वो कहते हैं हाँ ठीक है सुजैन को प्यार से सू बोलते हैं तो सुजैन कहती है कि मेरा हेड थोड़ा बंप कर गया है थोड़ी इसमें लग गई है एंड वो यहाँ बेसिकली टूल किट लेने आए थे सो जो डेक स्मैश हो गया उसको थोड़ा ठीक करें और ये थोड़ी चीज़ें बिगड़ गई हैं बोट की राइट थोड़ा ये मैस है जिप वगैरह थोड़े हिल कर गए हैं इनको सब तरीके से अच्छे से कर दें वापस जाते हैं जो टू क्रू मैन है उनको हायर किया था सिचुएशन के लिए वो वाटर पंपिंग करते हैं धीरे धीरे वो पंप भी बिगड़ जाता है तो एक और पंप था तो उस पंप को ऑन किया तो पागलों की तरह पंपिंग चल रही थी कि जितना ज़्यादा पानी बाहर जाएगा जितनी जल्दी जाएगा सिचुएशन अंडर कंट्रोल उतनी ही होगी बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये जो पंप है वो स्टार्ट कर जाता है और सिचुएशन अंडर अंडर कंट्रोल आने लगती है बट वे जानते थे कि ये चीजें ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली राइट तो फिर वो इमरजेंसी कॉल करते हैं मेड एल uh, मे डे कॉल्स होता है इमरजेंसी बिकॉज अलग अलग हैड क्वार्टर्स होते हैं सी के वी के अगर कोई सी में डूब रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आप कॉल कर सकते हैं वो आपको बचाने के लिए आएंगे बट सिग्नल प्रॉपर नहीं थे तो वहाँ मैसेज उनके पास नहीं पहुँच पा रहा था सू का उन्हों, उन्होंने हेड देखा तो पूरा रेड हो गया था आइज़ ब्लैक हो गई थी बिकॉज हेड में लगी हुई थी है ना उसकी कंडीशन बहुत टेंशन वाली थी एंड थर्ड जनवरी तक वो इतना वाटर पंप कर चुके थे कि चीजें अंडर कंट्रोल थी एंड उन्होंने बहुत सही से देखा एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन ज्यादा देर तक तो नहीं चलेगी डेफिनेटली अगर एक वेव और भी आ जाती है तो सबके सब काम खत्म तो वो चार्ट रूम में जाते हैं वो चीजों को कैलकुलेट करते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ टू आइलैंड्स हैं जहां हम जाकर अपनी लाइफ सेव कर सकते हैं एंड अपनी जो लाइफ है और अपनी बोट को फिक्स करके अपने घर भी जा पाएंगे जहाँ वर्ल्ड कर रहा है वो काफी बड़ा है और उसमें अगर आपने सुना होगा कि भूस के ढेर में सोई को ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल सा काम है सो यही बात वो कह रहे हैं कि ओशन में छोटे छोटे टू आयलैंड ढूंढना वो सिंपल काम नहीं है फोर्थ जनवरी को चीजें थोड़ी ठीक हुई बट थोड़ी बहुत बिस्किट बचे हुए थे थोड़ा बहुत बीफ बचा हुआ था उसे खा के इन लोगों ने रेस्ट किया बिकॉज दो दिन से तो खाना ही नहीं खाया था एंड चीजें बिगड़ तो रही हैं तो फिर वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने जाते हैं कि ठीक हो तो जो जोनाथन सर है वो कह वो कहता है कि क्या हम मर जाएंगे तो ये जो नेरेटर हैं बिजनेसमैन हैं थोड़ा अश्योर करने का ट्राई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो जोनाथन बोलता है कि ठीक है मर जाएंगे कोई बात नहीं है अगर हम सब साथ में हैं यू एंड मम्मी सू एंड आए तो हमें मरने से डर नहीं लगता ये चीजें जब नरेटर सुनते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो डिसाइड करते हैं फमले डिटर डिटर्मिनेशन होती है उनमें कि कैसी भी करके सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को सही करूँगा टैकल करूँगा इन सिचुएशन से और बच पाऊंगा अब ये तो उन्होंने वो कह रहे थे मोटिवेट कर रहे थे बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी तो अपनी वाइफ के पास बैठते हैं थोड़ी देर कहते हैं कि हमारा जो एंड है वो नियर है थोड़ी दुख भरी बातें करते हैं एंड फिर से जाते हैं चार्ट रूम में देखते हैं कि ज्यादा दूर आइलैंड नहीं दिखाई दे रहा है अगर इस तरीके से चीजें जाएंगी तो ऐसे जाएंगी राइट एंड देन वो ऊपर बूम पर जाते हैं एंड वहां थोड़ा बेहोश हो जाते हैं सो जाते हैं 6:00 बजे उठते हैं और जब वो उठते हैं तो जोनाथन आता है पीछे से और कहता है कि कैन आई गेट अ हग वो एंड सू भी पीछे खड़ी हुई है तो जो नैरेटर है वो कहते हैं ऐसा है क्यों बिकॉज वो कहते हैं यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी हमें आईलैंड मिल गया है वो शाउट करता है बिकॉज ये सोकर ही उठे है तो ये ना कोई आइडिया नहीं है बट बच्चों को आइडिया है एंड ये चीजें देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि चलो ये हमें मिल गई है एंड आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज विथ रिलीफ एट द शार्क आउटलाइन ऑफ आई एल इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वर्ल्केनिक रॉक अब जो आइलैंड उन्हें मिला उसका नेम था आयल एम्स्टर्डम ये नेम याद रखना बहुत छोटा सा आइलैंड था बिकॉज वो बॉल्कन रॉक का बना था थोड़ी बहुत वेजिटेशन थी बट दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था अब ऐसा क्यों भी था क्योंकि अब जान बची तो लाखों पाई डेफिनेटली जान बच गई है तो थोड़ा आइलैंड भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है ओके एंड आप ये सोच सकते हैं कि वहां ओनली ट्वेंटी एट पीपल रहते हैं तो कितना ही छोटा होगा ओके okay, फिर वो उससे उतरते उन्होंने सोचा कि हाँ थोड़ा हम रिलैक्स फील करेंगे एंड अपनी बोट को ही फिक्स कर लेंगे सो so दैट हम वापस जा पाए एंड जब वो सू को देखते हैं तो उनका उसका जो हेड है वो पूरी तरीके से इतना बड़ा हो गया है दैट फोर टू फाइव सर्जरीज करानी पड़ेंगी तब जाकर ये ठीक होगा तो वो कहते हैं सू से कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तो इतनी लगी है मुझे लगा थोड़ी बहुत लगी है तो सू बोलती है कि अगर मैं आपको पहले बता देती तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आ जाती राइट right? आप तो डर जाते और मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी तो आप देख सकते हो कि यहां जो दो बच्चे हैं वो फिजिकली स्ट्रांग है या नहीं है वो अलग मैटर है वो बट मेंटली इतने स्ट्रांग है कि वो खुद को भी मोटिवेट uh, रख पाए और अपने पेरेंट्स को भी बिकॉज अगर एक बच्चा सिक्स ईयर ओल्ड बच्चा कह रहा है दैट दैट वी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ कैन ऑल बी टुगेदर करेज बहुत ज्यादा है सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ आई होगी एंड आई होप इस स्टोरी आपको अच्छी भी लगी होगी बिकॉज ये बहुत अच्छी स्टोरी है अगर आप बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा ही अच्छी है बिकॉज अदर थोड़े बहुत टर्म्स हैं वो परेशान करते हैं बट इतने परेशान नहीं करती कि आप इस स्टोरी को ब्यूटी को ना देख पाओ इग्नोर कर दो राइट सो एज आई अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है विथ सो मच पेशेंस डेफिनेटली आपको वीडियो समझ में आई होगी सो इफ एम राइट देन हिट द लाइक बटन डू काउंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट पगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच गायंस अर गॉड